आखिर दुल्हन के लिए लाल रंग ही खास क्यों और क्यों नहीं, जाने इसके पीछे का ये दिलचस्प राज। शादियों में दुल्हन को लाल रंग का शादी का जोड़ा पहनाया जाता है, जिसके बाद ही शादी होती है। दुल्हन की हर चीज में लाल रंग को अधिक महत्व दिया जाता है। अक्सर हिंदू शादियों में दूल्हा दुल्हन को काले कपड़े नहीं पहनने दिया जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यह मान्यता है कि काला रंग अशुभ होता है। शादियों में दुल्हन को लाल रंग का शादी का जोड़ा पहनाया जाता है, जिसके बाद ही शादी होती है। दुल्हन की हर चीज में लाल रंग को अधिक महत्व दिया जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि दुल्हन को लाल रंग के ही कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? अधिकतर लोग इसे अंधविश्वास मानकर इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि आजकल अनेक रंगों के वेडिंग ड्रेस फैशन में है। इसलिए आजकल शादी में दूल्हा दुल्हन भी और उनके रिश्तेदार भी इस बात को अंधविश्वास मानकर टाल देते हैं। लेकिन ज्योतिष के अनुसार भी शुभ कार्य शादी में लाल, पीले और गुलाबी रंगों को अधिक मान्यता दी जाती है, क्योंकि लाल रंग सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य यह है कि लाल रंग ऊर्जा का स्रोत है, साथ ही लाल रंग सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। इसके विपरीत जब नीले, भूरे और काले रंगों की मनाही करते हैं, क्योंकि ये रंग नैराश्य का प्रतीक है और ऐसी भावनाओं को शुभ कार्यों में नहीं आने देना चाहिए। जब पहले ही कोई नकारात्मक विचार मन में जन्म ले लेंगे तो रिश्ते का आधार मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए शादी में दुल्हन के लिए लाल रंग खास माना गया है।